For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. काजल, आप कभी स्कूल के दिनों में या उसमें स्काउट्स में थी या बचपन की कोई याद जब आपने कुछ? मैं बिल्कुल स्काउट नहीं थी. मुझे लगता है कि मैं आई डोंट नो वेदर आई वाज सच अ गुड चाइल्ड. मैं इतनी मतलब ईमानदार, थोड़ा सा गड़बड़ थी उस डिपार्टमेंट में. लेकिन मैंने बचपन में बहुत सारा मतलब मेरी माँ हमको लोनावला लेके जाती थी, तो जैसे ये बच्चों को भी बाहर घुमाया जाता है या जो भी है, तो हम भी जाके यू नो पूरे लोनावला में घूमते थे. हमारे भी गर्ल की गैंग होती थी, लड़कियों की गैंग थी, लेकिन वी वर नॉट गर्ल स्काउट्स. नो हाय काजल, मेरा प्रश्न यह है कि आप अपने बच्चों को ये आदतें कैसे बचपन से सिखाती आई हैं? थोड़ा धमका के, थोड़ा प्यार से. लेकिन आई थिंक सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जब आप बच्चों को, हमारे बच्चों को अब कुछ भी सिखाना हो, तो उनको बताना पड़ेगा कि आप ये क्यों सिखा रहे हो. क्योंकि मुझे लगता है ये एक सवाल तो हर बच्चा पूछता है, मम्मा व्हाई व्हाई. वो मतलब सबसे यू नो कॉमन सवाल है. तो आई थिंक अगर हम अपने बच्चों को जितनी ज़्यादा नॉलेज दे सकें इस एक बात के बारे में, जितना उनको समझा सके कि ये क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ताकि वो ज़्यादा खेल सकें, ताकि वो ज़्यादा, उनको ज़्यादा वक्त मिले सब चीज़ें करने का जो उनको पसंद है, सब खाने का जो उनको पसंद है. अगर आपको आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है या जो भी खाना है, आप ये सब नहीं खा सकते अगर आपको जुकाम है या आपका पेट खराब है. तो आई थिंक वो सब चीज़ें अगर हम उनको समझाएं और बार बार समझाएं, तो कहीं ना कहीं ये बात उनके जहन में रह जाएगी और होपफुली ये आदत रह जाएगी और ये आदत बड़े होकर वो भी अपने बच्चों को समझा पाएंगे. डू वी हैव अनदर क्वेश्चन? यस सर. काजल जी नमस्कार, सुनील दैनिक भास्कर से. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों को समझाते रहते हैं और कभी ऐसे चांसेस आते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं और बच्चे हमें पकड़ लेते हैं. वो तो वो कई ऐसा मौका आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. फिर मैं सॉरी बोल के सेम मतलब आई एम वेरी वेरी सॉरी करके जो भी मैंने गलती की है मान लेती हूँ कि अपनी गलती है और यू नो अपनी गलती सुधार देती हूँ होपफुली. और अजय जी किस तरह से मतलब गलती करते नहीं है, परफेक्ट है. वो साफ सफाई और सादगी पर किस तरह से काम करते हैं? वो हाँ बिल्कुल ही, वो तो बहुत बहुत ज्यादा अपनी साफ सफाई मतलब OCD है उनको, तो हाथ कॉन्स्टेंटली धोते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं कि नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए. ही इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट. अच्छा, उनके बारे में सुना कि वो अच्छे कुक भी हैं, अच्छा पकाते हैं खाना, कुकिंग भी कर जानते हैं वो. तो कभी आपने किचन में जाके देखा कि वो जब काम करते हैं तो किस तरह से साफ सफाई से? क्वेश्चन कि कुक से बनाते हैं और बोलते कि उन्होंने खाना बना लिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो सचमुच बहुत अच्छी तरह से खाना पकाते हैं और हाँ हाथ धो के ही बनाते हैं. Yeah. All right, so we'll give somebody else a chance as well. Yeah. Hello. काजल, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उनसे कुछ सीखने लगते हैं, तो आप अपने बच्चों से क्या सीख रही हैं अभी? मैं मतलब जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से उनसे कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते आ रही हूँ. काफ़ी कुछ सीखा है मैंने. मुझे लगता है कि मेरे सबसे बड़े जो गुरु हैं वो मेरे बच्चे हैं. ज़रूर मैं रोज़ कुछ ना कुछ उनसे नया कुछ सीखती हूँ. कभी कभी कोई वर्ड्स होते हैं जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, तो नहीं, मुझे बहुत आराम से पेशेंस के साथ समझाते हैं कि मम्मा इट्स एक्चुअली दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस. कभी उनकी आदतें होती हैं और मैं कभी कभी उनका नज़रिया होता है. तो आई थिंक मैं अपने बच्चों से काफ़ी कुछ सीख गई हूँ, लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये सीखी है, आई हैव लर्न्ड पेशेंस. थैंक यू. ऑल राइट, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड जॉइनिंग अस टुडे. एंड ऑफ कोर्स थैंक यू ऑल फॉर बीइंग ओवर हियर विद अस. थैंक यू. व्हाट वी विल डू इज दैट, डू वी स्टिल नीड एनी मोर पिक्चर्स? वन ऑफ एवरीवन टुगेदर, वन ऑफ ऑल ऑफ देम. ऑल राइट, दे जस्ट नीड वन मोर.
No, they want all four. He genuinely does. काजोल मैडम पार्टी ग्लास वगैरह मैडम लेफ्ट सेंटर से. All right, I think we have enough pictures. Let's take Kajol a break. Thank you all so much. Lunch is being served outside, and once again, thank you for joining us.